जनपद पीलीभीत के थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मोमिनगंज की निवासी नन्ही देवी के पति कृष्ण कुमार ने अपनी पत्नी का काफी उत्पीड़न किया, जिसके बाद नन्ही देवी कोर्ट की शरण ली और पुलिस में भी शिकायत की, जिस पर पति कृष्ण कुमार के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। लेकिन शातिर किस्म का पति फिर भी बाज नहीं आया और उसने अपनी पत्नी के फोटो एडिट करके अश्लील फोटो वायरल कर दिए। देवी मेरा नाम नन्ही देवी है, मैं ग्राम मोमिनगंज में रहती हूँ। मेरी शादी आज से लगभग 2005 में हुई थी। कृष्ण कुमार पुत्र रोशनलाल ग्राम बरहा थाना सुनगढ़ी से। मुझे घर से निकाल दहेज की वजह से मारपीट के घर से निकाल दिया और मेरे पापा और भैया के खिलाफ कई सारे फर्जी मुकदमे कर दिए। मेरे खिलाफ 21-22 मुकदमे भी कर रखे हैं और मेरी तरफ से इनके ऊपर 125 494 498 चल लिया है। इन्होंने मुझे कई बार मारा पीटा है, गाली गलौज देते हैं। जब भी कचहरी आती हूँ तो मारने की धमकी देते हैं और जो भी अधिवक्ता मेरी पैरवी करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर देते हैं और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। और मैंने इस तरह से कोर्ट में शिकायत करी कि मेरी पैरवी करने के लिए कोई तैयार नहीं है और हर किसी अधिवक्ता से ये लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं और मैं भी बहुत गरीब महिला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया ADR में, तो मुझे अधिवक्ता सुमिन गुप्ता को नियुक्त कराया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।